दोस्तों आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। दिल्ली से जंतर मंतर पे केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करके जनता के काम करने से रोकने की साजिश के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल यहां थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। उसको लेकर तैयारी के लिए जनता में कितनी आक्रोश है आप देख सकते हैं। दिल्ली की साजिश, केंद्र सरकार के ऊपर प्रदर्शन हो रहा है आज जंतर मंतर पे। मुख्यमंत्री यहाँ थोड़ी देर में ही पहुँचने वाले हैं, आप उनके मुख से सुन सकते हैं कितनी आक्रोश प्रदर्शन है। कल के जो वन बिल को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में पास किया, मोहर लगी है उसके ऊपर, आप देख सकते हैं। रफ्तार न्यूज चैनल सबसे तेज सबसे आगे, दिल्ली से निगम पांडे की रिपोर्ट। आपको कोई परेशानी हो रही है कि आप लोग अपनी आवाज अब विधानसभा से नहीं दे पा रहे हैं, सीएम साहब को जंतर मंतर आना पड़ रहा है? जब जब इस देश के अंदर तानाशाही ताकतें मजबूत हुई है, तब तब संविधान का जो एक महत्वपूर्ण अंग है अपनी आवाज उठाने का, और उस देश के अंदर ये जंतर मंतर वो जगह है जहाँ पर आकर इंसान तानाशाही रवैया के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकता है। आज हम उस संविधान का पालन करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारों को कुचलने के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद होनी चाहिए उस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। एक असंवैधानिक बिल जो केंद्र की तानाशाह सरकार ने मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिल्ली की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, कमज़ोर करने की कोशिश करी, उसके खिलाफत के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देश के अंदर तानाशाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, संविधान की इस तरह से हत्या बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, और जब जब जुल्मी जुल्म करेंगे तो हम यूं ही आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का प्रदर्शन भी अभी आपके पहले रहा है, वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि अब केजरीवाल जी जो आज प्रदर्शन करने वाले घड़ियाली आंसू बहाने आ रहे हैं। कौन क्या कहता है ये नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई भी न्यायालय नहीं है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर अपना जजमेंट देते हुए दिल्ली सरकार की शक्तियों को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से उसको उसका व्याख्यान किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए अपनी तानाशाही ताकतों का प्रदर्शन करते हुए और अपनी एक संकुचित मानसिकता दिल्ली के लोगों के प्रति दर्शाते हुए जो ये केंद्र की सरकार ने किया है, जो ये भाजपा की सरकार ने किया है, दिल्ली की जनता उसका जरूर जवाब देगी। आम आदमी पार्टी को आक्रोश प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ गई। देखो, लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों का भारी बहुमत से चुन के आना और आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में तीसरी बार आस्था जताना, और मोदी सरकार जो हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और जो लोगों की आशंकाओं पर जो पिछले 6 सालों से अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे थे, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाजपा में ऐसी खलबली मची हुई है पूरे देश को लेकर कि दिल्ली में 0 का रिजल्ट आया है, उसके बावजूद भी पूरे देश के अंदर जहां भी विपक्ष अपने काम कर रहा है वहां पर मोदी की सरकार और अमित शाह जी वहाँ काम नहीं करने दे रहे हैं। और देश की चुनी हुई सरकार में एक लोकतांत्रिक तरीके को जो गिराने का प्रयास कर रहे हैं, पिछले दरवाजे से एलजी को जो पावर देने का काम कर रहे हैं, दिल्ली की जो जनता है और दिल्ली का जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आज दिल्ली का सवाल नहीं है, ये देश में हर जो विपक्ष जहां पर है
ये वहाँ पर इसी तरीके से पहले विधायक को खरीदने का काम करते हैं, यदि वो नहीं आए तो आईडी का डर दिखाते हैं, सीबीआई का डर दिखाते हैं, और यदि उसके बावजूद भी ये सब नहीं होता तो पार्लियामेंट में अपनी बहुत बहुमत के बल पर एक ऐसा बिल लेके आते हैं जो हमारी जनता के खिलाफ हो, चुनी हुई सरकार के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यदि ऐसा किया गया तो पूरे देश के अंदर ये आंदोलन होगा, हर विपक्षी जहाँ पर सरकार है वहाँ पर ये आंदोलन किया जाएगा, और इस सरकार को आने वाले समय में जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, ऐसी सरकार को कभी माफ़ नहीं करेगी। हमने कहा कि हमारे को ये पहले भी लग रहा था कि एलजी द्वारा ऐसा कुछ किया जा सकता है ऊपर से, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इसमें ऐसा नहीं हो पा रहा तो उन्होंने एक बिल लेकर आए पार्लियामेंट के अंदर। हाँ जी, कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसके बाद इन्होंने क्या किया, कोर्ट से तो हम लोग चले गए, इन्होंने कहा संवैधानिक तरीके से इसका संशोधन किया जाए जिसके बाद इस पर ये थोपा जाए हम पर, हम उसको कति बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री वे पूरे विधायक वे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जगह जगह पर आम आदमी पार्टी आज पैर पसार रही है, इनको ये डर सता रहा है कि उनके गृह क्षेत्र गुजरात में भी हम लोग आ गए हैं, तो आज जो उनको है लगा कि 27 सीटें पहली बार में वो चुन के आ गए, तो उनको ये डर सता रहा है इनको कहीं ना कहीं रोका जाए, हर वो सुविधा रोकी जाए जो आम पब्लिक आम जनता के लिए अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। जनता का क्या मतलब होगा, फिर आपका क्या मतलब होगा, फिर देश की जनता का क्या मतलब होगा? अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो दिल्ली की जनता कहाँ जाएगी? दिल्ली की जनता की चलेगी नहीं चलेगी? मुख्यमंत्री कहाँ जाएगा? फिर चुनाव क्यों कराए थे? जनता लाइन में क्यों लगी थी? जनता ने वोट क्यों दिया था? जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचा? जनता के चुनाव का कोई मतलब नहीं बचा? जनता की सरकार का? दूसरा, इस कानून में लिखा है कि अब सारी फाइलें दिल्ली सरकार की सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेंगी। भाई साहब, जब हमारी सरकार बनी थी सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए, देश जनतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारत मानते ये संविधान को नहीं मानते। प्रदर्शन तमाम आम आदमी पार्टी के क्या कारण है, क्यों है? जैसे कि आपको पता होगा कि संसद में जो बिल रखा गया है बीजेपी के द्वारा कि बिल्कुल हमारी दिल्ली सरकार की सारी शक्तियां छीन ली जाएंगी और वापस एलजी के हाथ में सारी शक्तियां दी जाएंगी, जितनी भी काम करने की पावर है सब एलजी के पास चली जाएंगी। और जबकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया था कि जितनी भी शक्तियाँ हैं, जो जनता के द्वारा चुना हुआ हमारा मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी है, वही दिल्ली सरकार है, एलजी दिल्ली सरकार नहीं है। इसी के लिए आज यहाँ अप्रोच रैली की गई थी और हमारे सारे कार्यकर्ता। मैडम, यहाँ पे आज सुबह कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पे प्रदर्शन था, वो आम आदमी आपकी पार्टी को कह रही कि बी टीम है बीजेपी की। बी टीम बिल्कुल गलत बोला जा रहा है, कहाँ से हम लोग बी टीम है? वो तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, तो कांग्रेस का एजेंडा है कि वो इस तरह से बोल रही है हम बी टीम नहीं है। अगर कह रहे कि जब ये कानून पास किया गया है, ये कानून मुख्यमंत्री से पूछा कहाँ गया है, हमारे मुख्यमंत्री से एकदम से जाके बिल वहाँ संसद में रखा गया है, और जैसे ही हमें पता चला तुरंत ही यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, तुरंत ही आक्रोश की गई है। क्या इस आक्रोश से ये कानून वापस लिया जाए? अगर नहीं हुआ तो हम लोग संसद तक मार्च करेंगे। आज बिल्कुल सड़क पर खड़े हैं और कल हम लोग संसद तक जाके ये आवाज उठाएंगे। कोई समय सीमा आप लोगों ने तय की हो सरकार के लिए? अभी कोई समय सीमा ठीक है। यहाँ पे आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है आम आदमी पार्टी का, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि दो हमारे देश में हो रहा है, दो सीएम पीएम साहब चल रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिलक चल रहे हैं, और देश के किसानों के प्रति और देश के लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ये एक तरह से विश्वास मत प्राप्त नहीं हो रहा है, आपस में खूब दुखबंदी का नेताओं में हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी का यही दावेदार रहती है कि हमारे सीएम ही चल सकते हैं, जो चल सकते हैं, अन्यथा तो ही नहीं कर सकता दिल्ली के लिए। दिल्ली के जंतर मंतर पे किस चीज़ के विरोध के लिए यहाँ प्रदर्शन किया जाए?
दिल्ली में काले कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, जो उनको वापस लेना चाहिए। ये किसान बैठे हुए हैं काफ़ी दिन से धने पे, ये इनका बंद होना चाहिए।